खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खबरी कही के एक रूमी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। कोका कोला तू आओ आंटी। नो मैं वो वर्ण वाला नहीं बोल रही हूँ आंटी। हाय हाउ आर यू? एक्चुअली ना आई वाज जस्ट डिस्कसिंग दिस सॉन्ग विथ आंटी। यू नो कितना प्यारा डांस किया है कृति सैनन ने इस सॉन्ग में। ओह माय गॉड, शी इज अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और मैंने सिखाया था उन्हें ये डांस जी। ये वाला जो स्टेप उन्होंने किया ना, मैंने सिखाया था, लेकिन मैंने ना इसे क्रेडिट वेडिट नहीं लिया। एक्चुअली आई एम वेरी हम्बल पर्सन ना, तो मैं अपने काम का क्रेडिट नहीं लेती। काम करती हूँ लेकिन उसका क्रेडिट नहीं लेती। शी सेइंग काम करो तो क्रेडिट लो ना, आपके जैसे नहीं है। हाँ तो आई वाज सेइंग अबाउट कृति सैनन नो, तो कृति सैनन के लेटेस्ट अपडेट दूँ आपको। उन्होंने ना बताया कि वो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में ना उनके क्या थॉट्स है। बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया है। ऑफ कोर्स फ्रेंड किसकी है। यस सो लेट्स नो व्हाट हैज शी से। क्या कृति सैनन कभी लिव इन रिलेशनशिप में रहने की कोशिश करेगी, जैसे कि हमने लुका छुपी में उनके किरदार को चुनते हुए देखा था। कृति सैनन ने इस बात का जवाब दिया और ये बात काफी चर्चा में भी उठी है। कृति का किरदार रश्मि लुका छुपी में कार्तिक आर्यन के साथ गुड्डू के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। इनकी लिव इन की वजह से दोनों को काफी मुश्किल पड़ती है और इसी बीच एंटरटेनमेंट होता है। तो क्या असल जीवन में लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है कृति सैनन? ज्यादातर लोगों की तरह कृति ने भी तुरंत हाँ कह दिया और उन्होंने ये कहा कि उनकी माँ इस विचार से सहमत नहीं होंगे। उन्होंने कहा इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स मानेंगे। मेरी माँ वैसे बहुत बिंदास बिहेव करती है, बोलेगी हाँ तो क्या हो गया, लेकिन जब मैं ये करना चाहूंगी या करूंगी तो वो मुझसे कहेगी कि क्या जरूरत है, इसलिए मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन अगर मैं किसी रिश्ते में हूँ और शादी से पहले मुझे उस रिश्ते को आजमाना है, क्योंकि वेडिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, तो मेरी माँ को ये बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। लेकिन वी कैन से एनीथिंग, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रही है जिसने उनसे झूठ बोला हो, जैसे कि राजकुमार राव के किरदार ध्रुव ने फिल्म हम दो हमारे दो में उनके किरदार के साथ किया था, तो कृति ने कहा झूठ बोलकर तो नहीं, लेकिन मैं उस तरह की व्यक्ति हूँ जो अच्छे में विश्वास करती है। झूठ तो सब बाद में पता चलता है, लेकिन मैं उस तरह से भोली हूँ। मेरा मानना है कि अगर मैं झूठ नहीं बोल रही तो दूसरा व्यक्ति भी मुझसे झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता। By the way, what are your thoughts on living relationship? Just comment down and inform me, okay? अच्छा आंटी को अभी मुझे समझाना पड़ेगा कि what is living relationship और कृति ने जो बोला उसका मतलब क्या है। तो एक काम करती हूँ, मैं आंटी के साथ ना थोड़े लमड़े लेकर आती हूँ। अभी मुझे मत पूछना कि लमड़े लेना क्या होता है। That I'll be answering you in the next episode, okay? By the way, आंटी